जम्मू कश्मीर के मशहूर डल और नगीन झील के हाउस बोट और शिकारा मालिक पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा आर्थिक संकट के शिकार हुए हैं। कोरोना महामारी, आतंकवाद, अनुच्छेद 370 और हाल ही में गैर प्रांतीय लोगों की हत्याओं ने पर्यटन व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित किया। अब सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ पर्यटक भी आने लगे हैं। इससे हाउस बोट और शिकारा मालिकों को उम्मीद है कि उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी। नवभारत समाचार, जम्मू कश्मीर से। पहली बार कश्मीर? नहीं, सेकंड बार। कैसा लगा? बहुत अच्छा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। कहाँ कहाँ गए? अभी हम गए पटनीटॉप, गए पहलगाम, गए अब श्रीनगर आए। यहाँ 3 डेज है, यहाँ 3 दिन है अभी तक, 3 दिन 4 दिन है अभी तक। यहाँ से फिर जाएंगे कटरा, कटरा से फिर सूरत भी आए, और यहाँ पे यहाँ का क्लाइमेट का आनंद ले और घूम के जाए, मजे करे, ऐश करे, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। आप कहाँ से? गुजरात, सूरत से। पहली बार आप कश्मीर आए? नहीं, मैं तीसरी बार आई हूँ। अच्छा अच्छा, तीसरी बार आने का क्या मकसद? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या लगता है? यहाँ के लोग ही मुझे बहुत अच्छे, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी है यहाँ पे। अच्छा। मतलब जैसे आते, जैसे पहली बार आई थी तो जो शिकार रखे थे उनके साथ दोस्ती हुई थी, तो अभी भी कॉन्टेक्ट में है, बात बात करते हैं। मैं तो कहना चाहूँगी सब आइए और आना ही चाहिए, इतनी ब्यूटीफुल जगह। तो हम मतलब इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बट नहीं, यहाँ पे आइए और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहाँ से? सूरत, गुजरात। पहली बार कश्मीर आए हैं? नहीं, कई बार आए हैं। अच्छा, क्या खास चीज लगती है कश्मीर? यहाँ की हर चीज़ें खास है, खासकर यहाँ के इंसान बहुत खास हैं। यहाँ की जगहें बहुत खूबसूरत है, इसमें जैसे पहलगाम है, श्रीनगर है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, सब बहुत खूबसूरत है। अभी तक कहाँ कहाँ गए? हम सब जगह गए यहाँ पर, आज हमको 7 दिन हो गया। अच्छा, तो यहाँ के लोगों का वातावरण? वहाँ के लोग बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत विशाल दिल के लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, और बहुत मेहमान नवाज हैं। जो टीवियों के अंदर दिखाया जाता है, क्या वो सही लगा? वो बिल्कुल बकवास है। तो क्या कहना चाहते हैं आप जो सूरत में बैठे हुए आपके लोग? सूरत में कहना है कि जो लोग टीवी पर दिखा रहे हैं सिर्फ एक राजनीति है, बाकी यहाँ पर एक बार इंसान को अपनी ज़िंदगी में आना ज़रूर चाहिए। ये जन्नत नुमा जगह है, यहाँ के लोग बहुत मासूम हैं और यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। अशोक कुमार शिवारे। कहाँ से? ग्वालियर एमपी से। पहली बार कश्मीर आए जी? सर, क्या लगा यहाँ पर कश्मीर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। खूबसूरती कौन सी चीज आपको? सबसे खूबसूरती इसलिए है कि यहाँ प्रकृति के जो दिया है उसको देखने के लिए हम बहुत खुश हुआ हुआ। गुलमर्ग भी घूमा था, आज शाम को पहलगाम भी जाएगा। अच्छा, आप वहाँ का भी देखेगा प्रोग्राम? अच्छा, जो टीवी के अंदर दिखाते हैं यहाँ पर हालात खराब है, वैसे आपने देखा? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ केवल फंडाबाजी है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मैसेज रहेगी आपके पूरे जो हिंदुस्तान? मैं चाहता हूँ भारत का आदमी इधर, हर व्यक्ति को आना चाहिए और घूमना चाहिए, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मेरा नाम है छवि शिवारे। आप कहाँ से? हम भिंड से एमपी। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम अभी थर्ड में पढ़ते हैं। थर्ड में पढ़ते हैं। अच्छा, कैसा लगा कश्मीर आपको?